मेरी लोरी से नींद आ गई थी ना। जा जा वे। लोरी से नहीं, दवाई से, उसकी वजह से नींद आ गई। अच्छा अच्छा, नाश्ता तो कीजिए। हाँ। क्या ये? चकली। अक्कल है तेरे में दया, मेरा दांत दुख रहा है, नरम नरम पाँव देना चाहिए चाय के साथ, तो चकली दे रही है नाश्ते में। अगर ये चकली मैं ना खाई तो मेरे मुंह में खून की नदियां बहेगी। मतलब अभी भी दर्द है? हाँ, अभी भी दर्द है। अरे भाई तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा। अरे कितनी बार बताऊं, दांत के डॉक्टर से मुझे डर लगता है। क्यों, डॉक्टर से डर लग रहा है? हाँ बोल रहा है कि ना बोल रहा है? उसमें डरने क्या बापू जी, डॉक्टर डॉक्टर हो जाएगा, इंस्पेक्टर थोड़ी। तो मैं देखता हूँ शाम तक अगर दर्द नहीं गया तो मैं दुकान से आते आते डॉक्टर के पास होता आऊंगा। अरे शाम को क्यों, अभी डॉक्टर को दिखा दीजिए ना। अरे अभी दुकान जाना जरूरी है, अभी IPL के मैच शुरू होने वाले हैं ना, तो एक टीवी कंपनी का सेल्स ऑफिसर अच्छी अच्छी स्कीम समझाने के लिए दुकान पे आ रहा है। सॉरी पापा, मुझसे गलती हो गई। अरे कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है कभी कभी। नहीं पापा, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करूंगा, आज मैं नाश्ता नहीं करूंगा। टप्पो, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे नाश्ता नहीं करेगा तो कैसे चलेगा, तेरी एग्जाम है, पेपर लिखने की ताकत कहाँ से आएगी। इधर इधर इधर, ऐसा वो बातचीत बातचीत नहीं होते, ठीक है होते, ले नाश्ता कर ले। नहीं पापा। ले ले आ बेटा। टप्पो, सॉरी पापा। ठीक बाबूजी, मैं दुकान जाता हूँ। हाँ चल, मुझे भी रास्ते में देना सर, छोड़ देना। हाँ चलिए बाबूजी। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। सॉरी पापा। अरे ठीक है बेटा। चल टप्पू बेटे, नाश्ता कर लो, चलो चलो चलो। हाँ ये लो। मौनम सर्वार्थ साधनम, अर्थात चुप रहने में कभी कभी समझदारी होती है। अरे डॉक्टर आती, मैसेज आती है, आज सुबह सुबह पूजा। हाँ क्या बात है, आज कुछ खास बात है? क्या है मेहता साहब, फ्री हेल्थ चेकअप तो हो गया, अब पेशेंट के लिए ऊपर वाले से कुछ? हाँ बात सही है, आपके पेशेंट भी बड़े इंपेशेंट है, बहुत जल्दी भाग जाते हैं। अरे जेठा भाई। अरे क्या हाल है जनाब के, कैसा है? बस मजे में हूँ। जेठालाल, डॉक्टर कुटकुटिया का फोन आया था, आपके दांतों के बारे में बात हुई। उनको कैसे पता चला? अरे कैसी बात करते हो तुम, वो तो तुम्हारे दांतों की तारीफ करते थकते नहीं। उनके पास जो मरीज आते हैं ना, वो तो तुम्हारा ही एग्जांपल देते हैं कि दांत हो तो जेठालाल जैसे, वरना ना हो। अच्छा चाचा जी, अभी आपके दांत का दर्द कैसा है? मुझे कब दर्द हुआ? अरे कल रात को दवाई तो भिजवाई थी आपको। कौन सी दवाई बाबू जी, लेट हो रहे हैं, निकले। एक मिनट भाई, ये कौन सी दवाई की बात कर रहे हैं? अरे चाचा जी, अरे तो डॉक्टर है ना, डॉक्टर दवाई की नहीं बात करेगा तो किसकी करेगा है? ऐसे ही कुछ। हाँ चलिए आप चलिए। सुनिए टप्पू के पापा, माँ का फोन था, कह रही थी कि दांत के डॉक्टर को जरूर मिल लेना। ठीक है भाई, मिल लेंगे, अभी दुकान जाना जरूरी है भाई। आइए बाबू जी। अरे ओ व्यापारी जेठालाल, क्या हमेशा दुकान दुकान करते रहते हो? या पंचा, तुमको क्या इतना भाई, तू शांत रहना भाई। हाँ जेठालाल, अगर एक दिन दुकान लेट से चले गए तो क्या फर्क पड़ेगा? अरे चाचा जी को डॉक्टर के पास लेके जाओ। या भाई मुझे क्यों लेकर जाना है, हैं? दर्द तो जेठिया के दांत में। क्या क्या? ओहो जेठालाल, आपके दांतों में दर्द, वाह क्या बात, मजा आ गया। मतलब ये हुआ कैसे? अरे बोलो बोलो, चुप क्यों हो? क्या मौनम सर्वस्य। अच्छा अच्छा, दया भाभी क्या आप बता सकती है कि इनके लोखंडी दांतों में जंग कैसे लग गया? पीड़े भाई, हुआ यू कि ये दांत से सुपारी को अखरोट समझकर तोड़ने गया, उसमें दांत ही हिल गया। Thank you.
हो गई शांति, पड़ गई कलेजे में ठंडक, अभी टीवी में भी बता दे मेरे दांत में दर्द है। क्या अभी ऐसा थोड़ी ना टीवी पर बताते हैं? नॉनसेंस। बाबूजी चल चल भाई चल। नमस्ते जिनेंद्र।